अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिलीशियस बंगाली फ़िश फ्राई की रेसिपी। मैंने यहाँ इस फ़िश फ्राई में रोहू फ़िश का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किसी और फ़िश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मनपसंद की कोई सी भी फ़िश आप इसमें ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कतला फ़िश या और भी बहुत सी ऐसी भेटकी, ये सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये सब बंगाली फ़िश है। यहाँ पे मैंने 1200 ग्राम यहाँ पे रोहू फ़िश लिया है मैंने साफ़ करके। इसमें हम अब 2 बड़े टेबल स्पून रेड चिली पाउडर के ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से ऐड करें जितना तीखा आप खाते हैं। अब मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ऐड किया है यहाँ पे 1 टीस्पून। काली मिर्ची का पाउडर और 1 नींबू को मैंने यहाँ पे स्क्वीज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और ये राइस फ्लावर है, चावल का आटा और नमक मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है। चावल का आटा आप 1 टीस्पून ही इस्तेमाल करें। इसे अच्छे से आप मिला लें, मिक्स कर लें। चावल का आटा मैंने इसीलिए डाला क्योंकि ये फ़िश जो है क्रिस्पी फ्राई होगी, तो उसके लिए चावल का आटा ज़रूरी है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसे आप 15 से 20 मिनट तक इसी तरह रख दें, इसमें मसाला कोट करके। उससे अच्छा फ्लेवर मिलेगा जब हम फ्राई करेंगे इसे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सारे फिश के पीसेस को कोट कर लिया मसालों से और इसे अब मैं रख दूंगी 20 मिनट तक। इसके बाद हम चलिए चलते हैं। तेल गरम कर लिया मैंने यहाँ पे और सारे फ़िश के पीसेस को मैंने डाल दिया। 15 मिनट मैंने रखा था इस फ़िश के पीसेस को। इसे आप यहाँ पे केयरफुली डालें। अब इन सभी पीसेस को आप ऐसे पलटा लें दूसरी तरफ। पहले आप इसे जब डालें सारे फ़िश के पीसेस ऑयल में, तो आपका फ्लेम हाई पे होना चाहिए और फिर आप इसे लो फ्लेम पे पकाएं। इससे आपका जो फ़िश के पीसेस हैं वो क्रिस्पी होंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं तवे पे या फ्राई पैन पे। मैंने यहाँ पे डीप फ्राई किया है इसे। तो यहाँ पे हमारे फ़िश रेडी हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे और इसे अब हम सर्व करेंगे। आप पहले इसे पेपर टॉवल पे निकालें, उसके बाद आप इसे सर्व करें, क्योंकि जो बाकी का जो ऑयल होगा वो पेपर टॉवल पे निकल जाएगा। उसके बाद आप इसे प्लेट पे सर्व करें। ये देखिए, मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है। लग रही है ना मज़ेदार? तो चलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।